मैं इस वक्त मौजूद हूं झंझारपुर में। यहां पर जो एनडीए के प्रत्याशी है जदयू से रामप्रीत मंडल के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान, साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी आए हुए थे। इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो के जरिए। वहां में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस गर्मी में और धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे तमाम नेताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी और मैं तो इस अवसर पर अपने पुराने साथी मंगीलाल मंडल जी का, जगत नारायण सिंह जी का, गोपाल मंडल जी का, सबको का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर इन्होंने एनडीए के साथ आने का, जनता दल यूनाइटेड के साथ आने का निर्णय लिया है और अपने निर्णय की क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, तो हम लोगों को बहुत कुछ अब कहने की जरूरत नहीं, फैसला तो आपको करना है। एक तरफ हम लोग हैं, एनडीए के लोग हैं जो काम करते हैं और काम के आधार पर ही आपका समर्थन चाहते हैं, चाहे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार हो या बिहार में आप लोगों की इच्छा से हम लोगों की सरकार काम कर रही है। सबने काम किया है, हमारे साथियों ने बताया, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ और आतंकवाद के खिलाफ जो त्वरित कार्रवाई की है उसके चलते हर भारतवासी का मनोबल ऊंचा हुआ है। ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई और इसके साथ साथ जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और पूरे देश के लिए जो काम उन्होंने किया है और बिहार के लिए जो काम किया है, यह गौर करने लायक। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय कम है, अभी हम लोगों को दो अन्य सभाओं में भी पहुँचना है। आप यही जान लीजिए कि सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने हमारे कई सड़कों को नेशनल हाईवे के रूप में मान लिया और नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण, नए पुल का निर्माण, पुराने पुलों के समानांतर पुल का निर्माण, सिर्फ सड़क और पुल पर बिहार में केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजना न सिर्फ मंजूर किया बल्कि उस पर काम प्रारंभ कर दिया। तो एक नहीं अनेक बात, और पूरे देश के गरीब लोगों के लिए क्या किया इसकी चर्चा आप सब जानते भाई। गरीब परिवार की महिलाओं को जो खाना बनाने में धुआं झेलना पड़ता था, अब उन गरीब परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, ये कोई मामूली बात नहीं। और गरीब परिवार के लोग को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल जाए और अभी किसानों की सहायता की जो स्कीम चालू की गई है, 6,000 रुपया हर किसान को, कुछ जो हम लोगों के विरोधी हैं वो किसान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और कहेंगे हम कर्ज माफ कर देंगे। अरे माफ कर दो, लेकिन जरा बताइए तो कि हर किसान कर्ज लेता है, हर किसान क्या कर्ज लेता है? तो जो कर्ज नहीं लेता उस किसान को क्या लाभ होगा? लेकिन केंद्र सरकार ने जो स्कीम बनाई है कि हम हर किसान को मदद करेंगे, और मदद कैसे करें, किसान को क्या करना पड़ता है, खेती करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है और अगर जो उनको अपना पैसा खेती में लगाना पड़ता है, अगर उनको सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो उनको अपना पैसा कम लगाना पड़ेगा और स्वाभाविक तौर पर जो आमदनी है वो उसकी बढ़ जाएगी, कम खर्चा होगा, आमदनी उनकी बढ़ जाएगी। तो इस सारे देश के किसानों के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बधाई देता हूँ कि इतनी सोच के साथ इस तरह की स्कीम को चालू किया। तो जैसे भी देखिए, देश के लिए या बिहार के लिए काम किया, इसलिए हम लोगों की क्या इच्छा, फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने ताकि देश की इज्जत बढ़े, देश आगे बढ़े, बिहार भी आगे बढ़े। और बिहार में आप लोगों ने 13 साल से काम करने का मौका दिया तो हम लोग तो सेवा ही कर रहे हैं,
कोई ऐसा क्षेत्र न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके के लोगों का उद्धार, एक भी इलाका नहीं है जिसको हम लोगों ने उपेक्षा की होगी। सब जगत का, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सिंचाई का हो, जो बाढ़ आती है, आपदा प्रबंध, सब तरह की जो योजनाएं हम लोग चलाकर लोगों को राहत पहुंचाते हैं, हर क्षेत्र में काम, और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी काम। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, कहां बच्चे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे और वो कौन बच्चे थे? हमने उसका सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि सबसे ज्यादा दलित या अल्पसंख्यक समाज के बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते हैं। तो हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज के माध्यम से उन लोगों के परिवार के बच्चों को बाहर पढ़ा पढ़ा करके स्कूल पहुंचाना शुरू किया, और अब तो स्कूल जाने वालों, स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर हो गई। 21,000 प्राथमिक विद्यालय खोले हम लोगों ने, 3 से 4 लाख के बीच में शिक्षकों का नियोजन किया, और आज आप जान लीजिए अब हम लोग उच्च शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं, और हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने में लगे हुए। तो एक एक काम, अस्पताल का काम, हर क्षेत्र में काम, और कितना हम लोगों ने किया। हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत लोग चले जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, कोई इच्छा से जाए, कोई इतराज की बात नहीं, लेकिन मजबूरी में नहीं जाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में GNM संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला ITI, हर सब डिवीजन में ITI, हर सब डिवीजन में ANM स्कूल, और नए मेडिकल कॉलेज, और आपका बन रहा ही है, जो आपके मधुबनी जिले का मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा, आपके झंझारपुर के पास ही बन रहा, अभी सोच लीजिए। तो आप कल्पना कर लीजिए कि इतना ज्यादा एक एक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आप जान लीजिए हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना, यानी हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को मजबूरी में पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो एक एक इंतजाम कर रहे हैं, गरीबी के कारण लोग अपने बेटे बेटियों को इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की कि 4 लाख रुपए तक की सहायता आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। हजारों युवाओं ने इसका फायदा उठाया, हम लोग बराबर प्रचारित करते हैं कि इसका फायदा उठाइए। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, और यही हम लोगों की दिलचस्पी है। और उसके अलावे ये तो 7 निश्चय में ये सब काम कर रहे हैं, और उसके अलावे हम लोगों ने तय किया हर घर नल का जल पहुंचा देंगे, 2020 तक हर घर में नल का जल पहुंच जाएगा। लोग सपना देखते थे कि नल का पानी हम लोगों को भी पीने को मिले, हर घर में नल का जल, काम शुरू 2020 तक पूरा, हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे बिहार में काम शुरू 2020 तक ये काम हो जाएगा, हर घर में शौचालय, राष्ट्रीय योजना, हम लोग बिहार में इसको इस बार बापू जयंती के अवसर तक 2 अक्टूबर तक ये काम भी पूरा करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर बिजली का कनेक्शन, पहले क्या हाल था बिजली का, कहां लोगों को बिजली मिलती थी, आप बता दीजिए, 15 साल मौका मिला एक परिवार को बिहार में राज करने का, पति पत्नी का राज रहा है, और क्या हुआ है काम, अभी मंगनीलाल जी तो बहुत बात बता दिए, जगत नारायण जी भी बहुत बात बताए, लेकिन बताइए न, 15 साल मौका मिला और क्या मिल रहा था बिहार के लोगों को, क्या काम हो रहा था बिहार के लिए। पूरे बिहार में बिजली की आपूर्ति 700 मेगावाट हो रही थी, और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, अब बिजली की आपूर्ति हो रही है 5,200 मेगावाट पूरे बिहार में। एक एक चीज के लिए काम करना पड़ता है, और सिर्फ कनेक्शन देने से काम नहीं चलता, इसके लिए ट्रांसमिशन का लाइन, सब ट्रांसमिशन का लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन, एक एक तैयारी करनी पड़ती है, और एक एक तैयारी करके हम लोगों ने हर गांव को बिजली पहुंचा दिया, हर टोले को बिजली पिछले साल अप्रैल तक पहुंचा दिया, और जो मेरे 7 निश्चय में था,
हर घर बिजली का कनेक्शन और वो 31 दिसंबर 2018 तक करना था और उसको हम लोगों ने दो महीना पहले 25 अक्टूबर 2018 तक वो काम कर दिया। अब पहले बिजली नहीं थी, अंधेरा में रहना पड़ता था और जरूरत पड़ने पर ढिबरी या लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। अब हर घर बिजली पहुंच गई, अब लालटेन की जरूरत भी खत्म हो गई पूरे बिहार में। अब ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया और इसी तरह से काम कर रहे हैं, हर चीज के बारे में सोचते। वृद्धावस्था पेंशन, सब वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिलता था, बीपीएल के नीचे जिनका नाम था उन्हीं को मिल रहा था। लोग बोलते थे कि भाई हम लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलता। हम लोगों ने अब नई योजना शुरू कर दी, वृद्धजन पेंशन योजना। अब उसमें हर व्यक्ति को जिसकी आयु 60 वर्ष की हो गई है, पुरुष हो या स्त्री, चाहे उसके परिवार की जितनी भी आमदनी हो, सबको पेंशन मिलेगा। और अब सोच लीजिए, सब आदमी को, बुजुर्ग को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा तो घर में इज्जत बढ़ेगी ना जी, पोता पोती भी इज्जत करेगा ना, दादा दादी के पास पैसा आ जाएगा अलग से तो पोता पोती को चॉकलेट वगैरह खरीद के खिला देगा तो कितना खुश होगा पोता पोती, बताइए। तो ये काम हम लोग करते रहते हैं, परिवार में खुशी हो, कोई भी वृद्धजन को मुश्किल न झेलना पड़े, उसके हाथ में भी कुछ पैसा रहेगा तो वो भी इज्जत के साथ जीवन जिएगा। तो हर काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कोई छोड़ते नहीं है, कोई काम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, सेवा ही हमारा धर्म है। और बहुत लोग हैं आपस में झगड़ा पैदा करके हो जाए झंझट और बिना काम किए एक पक्ष का वोट मिल जाएगा, इसी पर लोग राज करते हैं। और जान लीजिए क्या करते हैं लोग, 15 साल मौका मिला तो आज क्या बात है कि अंदर है, कहते हैं कि फंसाया गया, कोई फंसा देगा, न्यायपालिका से सजा मिलेगी, फंसा देना होता है, न्यायपालिका से सजा मिले, किसको कह रहे हैं कि फंसा दिया, कौन फंसा देगा, गए तो थे जमानत के लिए नहीं मिली, कौन फंसा दिया जरा बताइए। तो इस प्रकार से अदालत के बारे में भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, हर जन्म दिए हो तो क्या बोलता, संविधान की रक्षा, यानी न्यायपालिका के निर्णय को कहो फंसा दिया, यही संविधान की रक्षा है। संविधान का कखगग अभी ज्ञान है, कखगग का भी ज्ञान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की, संविधान सभा ने मंजूर किया, पूरे देश ने उसको अंगीकार किया, आज उस संविधान के आधार पर देश चल रहा, उसमें न्यायपालिका के हाथ में जो अख्तियार है और उसका जो कोई निर्णय है उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये क्या संविधान के बारे में एबीसी की जानकारी भी है, ये उस बात का द्योतक है। तो इसलिए हम आप सब लोगों से कहेंगे कि कुछ लोगों की इच्छा है सत्ता में आए और माल कमाए, हम लोगों को सत्ता में बैठाए, हम इसको मानते हैं कि सेवा करना और समाज के सब वर्ग की सेवा, बताइए तो किसी वर्ग की उपेक्षा हम लोगों ने की है। आज जिनको जो मर्जी वोट देंगे लेकिन हमको बता दें, जो उनको भी वोट करेंगे मैं उनसे पूछता हूं बहुत विनम्रता पूर्वक कि 15 साल में आपके लिए क्या किया, गांव में सड़क पहुंचा, गांव में बिजली पहुंची, बच्चों के पढ़ाने का स्कूल का पूरा इंतजाम हुआ, इलाज के लिए अस्पताल ठीक ढंग से चला, नहीं चला, और अभी जो हम लोग चला रहे हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को वोट दीजिए या मत दीजिए, लाभ सबको मिलता है। तो ये सब तो सोचना चाहिए, सेवा को समझिएगा बड़ी चीज या मेवा को समझिएगा बड़ी चीज। कुछ लोग सत्ता में आना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और हमारे राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा था, 7 सामाजिक पाप, और उस 7 सामाजिक पाप में बापू ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, काम के बिना धन कमाना सामाजिक पाप है। अब बताइए सत्ता में आप आते हैं सेवा करने, आपसे बचना चाहिए और सेवा करने वाले को मानना चाहिए, और हम सब सेवा करने वाले हैं। केंद्र में माननीय मोदी जी सेवा कर रहे हैं और यहाँ हम सब मिलकर के आपकी सेवा कर रहे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि भाई इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों को मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सो बताइए,
दीजिएगा ना, हम मजदूरी हमारे लिए क्या है। आप जो 23 तारीख को वोट पड़ने वाला है उस दिन तीर छाप के बगल का बटन दबा करके हमारे रामप्रीत मंडल जी को जिता दीजिएगा, वही हमारे लिए मजदूरी। तो मजदूरी दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। याद करा देते हैं, ऊपर देख लीजिए, सूर्य भगवान के सामने हाथ उठा रहे हैं। धर्म कोई मानिए, सूर्य के ऊपर ही पृथ्वी का अस्तित्व है, इसलिए उनके सामने रोज देखते हैं, उन्हीं पर पूरा पृथ्वी निर्भर है। हाथ उठा के उनके सामने आप वचन दिए हैं, भूलिएगा नहीं। आप पहना दें रामप्रीत जी को, हाथ उठा के बताइए। तो आप सबके इजाजत से हम लोगों ने इनको माला पहना दिया है। अब इस बात को देखना आपका कर्तव्य। और जो हमारी बहने हैं, बाएं दाएं सब जगह बहने हैं, एक ही अपील हम कहेंगे, देखिए हम बराबरी का अधिकार दिए। मेरा एक विशेष आग्रह, 23 तारीख को वोट है, उस दिन सवेरे तैयार होकर के पहले वोट डालिएगा और तब घर में लौट कर आकर खाना बनाइएगा। ऐसा ना तो हो कि सवारे सवेरे उठ करके पहले खाना बनाने लगिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन तैयार होके जाके पहले वोट के हिसाब से वोट देकर के आवे, उनको इज्जत के साथ भर पेट खिलाइएगा और जो आपकी बात नहीं माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यही हमारी बहनों से अपील है और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए हम लोग अपनी बात समाप्त करते हैं और आगे की सभा में जाने की इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं केशव कुमार झा, लाइव सिटी झंझारपुर।